गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के साथ में, और आप सभी मेरी मैं अभी कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ अपना कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं अपना डेली रूटीन भी शेयर नहीं कर रही हूँ। सिर्फ आपसे मैंने अभी बात की है, 2 से 3 वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर की हैं। उसमें मैंने ढंग से आप सभी के साथ अभी ढंग से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं स्टोर पर ही रहती हूँ, स्टोर पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ इसलिए। और फिलहाल मेरा लंच टाइम है और मैं ट्रायल रूम में रहती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही थी। देखिए हमारा ट्रायल रूम है, 2 ट्रायल रूम है, 1 ट्रायल रूम में वेटिंग। अगर कस्टमर आता है तो दूसरे में जा सकता है, बट अगर ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो मैं यहाँ से हमारा वो है स्टाफ रूम, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे अभी स्टाफ के दूसरे जो हैं वो खाना खा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ ट्रायल रूम में बैठ गई थी, थोड़ा सा रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए। और मैं यहाँ आराम से, आप देख सकते हैं आराम से नीचे फर्श पर बैठी हुई हूँ पालथी मार करके। तो आप सभी देख रहे होंगे मैं क्या पहनी हूँ, ये मेरा यूनिफॉर्म है यहाँ का, जो यहाँ मैं वेयर करती हूँ। घर से सिंपल कपड़े जो मैं पहनती हूँ वो पहन कर आती हूँ, यहाँ पर आके मुझे ड्रेस वेयर करना रहता है। ये जो यहाँ का यूनिफॉर्म है, तो ये शर्ट है और ये फॉर्मल ट्राउज़र है, और इसके साथ में स्कार्फ वेयर करती हूँ। फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं? देखिए मेरे पीछे भी दिख रही हूँ। तो मैं यही कह रही थी कि मैं भी सही से कुछ भी आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ी 3 वीडियो आप सभी के साथ में शेयर की हैं, उसमें भी कुछ भी ढंग से मैंने आप सभी के साथ बात भी नहीं कर पाई हूँ। तो भी आप सभी का प्यार, जो मेरा आप सभी का प्यार था जो पहले आप वीडियो पर देते थे मुझे, वो मुझे मिल रहा है। और इंशाल्लाह मैं आप सभी के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी, जो मेरा रहेगा मैं अपना रूटीन शेयर करने की कोशिश करूँगी, सुबह से लेकर शाम तक का जो भी मेरा रहता है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। कुछ घर का भी मैं बनाने की कोशिश करूँगी कि घर पे क्या क्या मेरा रूटीन रहता है अब, क्योंकि अब बहुत कुछ चेंज हो गया है पहले से। जैसे कि मतलब पहले थी घर पर रहती थी, पूरा दिन घर पर काम करती थी, सुबह से शाम तक काम में निकल जाता था, पता भी नहीं चलता था। तो अब वो रूटीन चेंज हो गया है, वो क्या है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी, आगे मैं आप सभी को बताऊँगी। और आप सभी के सपोर्ट और प्यार के लिए थैंक यू सो मच फॉर माई फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। और फिलहाल मैं यही बैठी हूँ, और आप कमेंट्स आएंगे स्कार्फ के लिए और पट्टी के लिए वगैरह वगैरह, बहुत सारे कमेंट्स आने वाले। मैं ये लुक नहीं लेना चाहती हूँ, बट क्या है जॉब कर रही हूँ, जॉब में ये सब करना पड़ता है। और मैं जॉब, आप कहेंगे कि जॉब क्यों कर रही हो, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर जॉब नहीं करेंगे तो फिर कैसा काम चलेगा। मुझे पता है बहुत सारे बैड कमेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना सजेशन देंगे, बट जो रियलिटी है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। इसलिए मैं जिस समय जिस लुक में मैं यहाँ रहती हूँ स्टोर पर, मैं वही लुक आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इस लुक में मैं रहती हूँ, फ्लोर पर रहते हैं हम, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, और वो हमेशा जो मैन हेड है वो हमेशा देखते हैं। तो यहाँ के जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने रहते हैं, जैसा ड्रेसअप यहाँ के हमारे मैनेजर और जो जहाँ यहाँ का यहाँ के रूल्स हैं वो है वो हमें फॉलो करना रहता है। तो ये यहाँ की ड्रेस है जो हमने वेयर की हुई हूँ। जब मैं आई यहाँ पे आई हूँ 6 अगस्त से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, 6 अगस्त से, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने हो गए मुझको यहाँ स्टोर पर काम करते रहते, यहाँ इस स्टोर पर जॉब करते हुए 8 महीने कम हो गए हैं कंप्लीट, आज 30 तारीख हुए। सोच के बोल रही हूँ क्या बात करूँ, क्या कहूँ, कुछ गलत नहीं बोल दूँ, आप सभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, क्या जॉब करती हूँ,
किस जगह पर हूँ, अभी क्या कर रही हूँ, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए जो एक बार में नहीं हो पाएगा। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी आप सबके साथ में शेयर करने के लिए। मैं कल गई थी नानी की तरफ, जो आवी मामू है ना मेरे, उनके घर के साइड गई थी, तो वहाँ साहिबा मिली थी मुझको। तो वो बोल रही थी तूने तो वार्षिकी से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला तूने देखा था मेरा ब्लॉग? बोल रही थी हाँ मैंने देखा था। तो बोले आप सही से बात भी नहीं कर पा रही हो उस वीडियो में। मैंने बोला अच्छा मुझे पता है मैंने सही से वीडियो नहीं बनाया है, ऐसे ही नॉर्मली थोड़ा सा वीडियो बनाया और शेयर कर दिया मैंने। बट आगे मैं कोशिश करूँगी कुछ थोड़ा बहुत यहाँ का, कुछ घर का और कुछ यहाँ का वीडियो शूट करके एडिट करके आप सभी के साथ शेयर करने की। बाजी ने भी देखी मेरे वीडियोस, बाजी बोली अच्छा है स्टार्ट किया तूने, सोचा मैंने तो काफ़ी बोलती थी तुझसे ब्लॉगिंग करने की कर, बट मेरा ही मन नहीं किया, थोड़ा सा मैं बिजी भी हो गई और धीरे धीरे मैंने सोचा करूँगी स्टार्ट। फिर ऐसे ही करते करते टाइम नहीं मिला, बिल्कुल छोड़ दी ब्लॉगिंग, मैंने बंद कर दी। फिर हेटर्स भी हैं, जो हेटर्स परेशान करते हैं, बैड कमेंट्स करते हैं, तो उनकी वजह से भी थोड़ा मन उदास हो जाता है। तो फिर ये लगता था मेहनत करने के बाद भी हेटर्स ऐसे बैड कमेंट्स करते हैं तो उसके वजह से मन उदास हो जाता है, तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता था। क्या फ़ायदा है मेहनत करने के बाद भी सुनना पड़ता है तो। मगर 100% में से 10% हेटर्स होंगे, तो 90% जो व्यूअर्स हैं जो पसंद करते हैं, तो 10% के चक्कर में 90% को भी मैंने छोड़ दिया। इसलिए अब मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैंने फिर से सोचा, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे चाहते हैं, मेरे ब्लॉग देखना पसंद करते थे, जो वो मैं चाहती हूँ फिर से वो मुझसे जुड़ें और मेरे वीडियोस देखें, एंड मुझे पता है मैं क्या शेयर करने की कोशिश करूँगा आप सभी के साथ में अपने ब्लॉग में। और वैसे जो व्यूअर्स मेरे अभी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट से ही कर रहे हैं कि आप अपना डेली रूटीन शेयर कीजिए, हमें आपकी डेली रूटीन देखना पसंद था। अभी भी एक वीडियो पर कमेंट आया है जो मैंने कल शेयर किया, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्टिंग ऑन ओवर कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो सॉरी ऐसे ही कुछ था, मैंने अभी थोड़ा देखा था तो मैं बता रही हूँ। ठीक है बोलने तो आई डोंट केयर, अरे इधर करना गलत ना बोल दूँगा जिससे आप फिर मेरे कमेंट्स करें। कोशिश करूँगी अच्छे से आप सभी के साथ अपना रूटीन शेयर करने की, आप सभी से बात करने की। और अभी यहाँ कैमरे पे देख के मैं बात भी सही से नहीं कर पा रही, जैसे बिंदास होके मैं पहले बात करती थी, ऐसा होता है ना नज़र मिला के बात करना सामने देख कर, वो नहीं कर पा रही हूँ मैं। बहुत होता है, एक साल हो गया मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, ना ही कुछ कैमरे के सामने बात की है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे आपको बताया आप सभी का प्यार मिल रहा है उसके लिए थैंक यू, और मैं कोशिश करूँगी रूटीन शेयर करने की। ओके फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, अच्छा लगा आप सभी से बात करके और